वेल, आपने अभी सुना ही होगा डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के बारे में, द रेप केस। अभी तो नॉर्मल सी बात हो गई हमारे देश में। आई वांट टू आस्क द गवर्नमेंट, आई वांट टू आस्क द पीपल दैट व्हाई इज देयर नो फियर इन द माइंड्स ऑफ दीज एनिमल्स बिफोर दे गो एंड रेप अ गर्ल। उनके दिमाग में कोई डर ही नहीं है। ऊपर से जुवेनाइल चीज, अगर आप 18 साल के नीचे हो, अगर आपने किसी लड़की का रेप किया तो आपको ना लाइफ इम्प्रिजनमेंट है ना डेथ पेनल्टी है। एक पिक्चर आई थी सेक्शन 375, उसमें ये डायलॉग था, वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ जस्टिस, वी आर इन द बिजनेस ऑफ लॉ। मतलब आप इस बात का समझ रहे हो कि ये जो जस्टिस हम मांगते रहते हैं ना, वो जस्टिस डिलीवर नहीं होता। हमें मिलती है कोर्ट हियरिंग्स, हमें मिलती है ये लॉ के प्रोसीजर्स, ये लूप होल्स लॉ में, जिसके थ्रू ये दरिंदे निकल के भाग जाते हैं। एंड आपको पता है द वर्स्ट पार्ट, दे स्माइल, दे लाफ, दे सेलिब्रेट, बिकॉज दे नो कि कुछ नहीं होने वाला है। वी डेफिनेटली नीड स्ट्रिक्टर लॉज फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन इन दिस कंट्री। आई फील सॉरी फॉर द वुमेन ऑफ दिस कंट्री, आई एम रियली रियली सॉरी, एंड आई एम सॉरी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फ्रॉम ऑल द मेन इन दिस कंट्री, आई एम सॉरी। देर आर पीपल हु वॉन्ट टू डू थिंग्स फॉर यू, देर आर पीपल हु वॉन्ट टू हेल्प यू, बट वी आर जस्ट नॉट एबल टू बिकॉज द बेसिक माइंड सेट ऑफ द पीपल, द बेसिक माइंड सेट ऑफ दिस प्रेडिटर्स इज वेरी डिफरेंट। इनको लगता है कि ये लड़कियों को ओन करते हैं। इनकी अपब्रिंगिंग में इनको बताया जाता है कि एक जो लड़की है उसके कपड़े, उसके बात, उसकी हंसी, उसका अल्कोहल पीने के बेसिस पे आप उसको जज कर सकते हो, एंड शी इज रेडी टू फक यू। इट्स माय जेन्युइन रिक्वेस्ट टू द पीपल, टू द गवर्नमेंट, दैट वी नीड टू क्रिएट फियर इन द माइंड ऑफ दीज एनिमल्स। ये डर गवर्नमेंट ही ला सकती है और आप पब्लिक भी ला सकते हो। अगर कोई किसी लड़की को छेड़ रहा है, कोई किसी के बारे में बकवास कर रहा है, तो आवाज उठानी चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। इस देश में जो भी बड़ा है उसको पब्लिक ने ही बनाया, और अगर पब्लिक आई ना बैंड बजाने के लिए, तो किसी भी माई के लाल में दम नहीं है कि वो कुछ भी करे। रिमेम्बर दिस, वी आर लिविंग टूगेदर एंड वी कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज। एंड अभी हर बार ये जो रेप केस हो रहा है, इसके बाद चुप मत रहो, नम मत हो, इसको नॉर्मल नहीं होने दो। अगर हम एडजस्ट होना चालू हो गए तो फिर तो ये चीजें बढ़ती ही जाएगी। इट्स हाई टाइम नाउ, वी हैव टू टेक दिस सीरियसली, वी नीड टू क्रिएट फियर, एंड आई रिक्वेस्ट माई गवर्नमेंट दैट वी नीड स्ट्रिक्टर लॉज।